ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषा आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। हिंदी और अंग्रेजी भाषी लोगन में अक्सर तनातनी की स्थिति निर्मित रहती। हालांकि इमा कोनो भाषा के दोष नहीं आए, बावजूद के जहां ठेठ हिंदी बोले वाले एक राष्ट्रभाषा के दर्जा दे था, तो अंग्रेजी बोले वाले लोगन में ये भाषा के प्रति कहो न कहो खींचतान मची रहा थी। भाई हिंदी वाले अपने मातृभाषा का महान बतावा था और तवज्जो दे था, तो अंग्रेजी वाले ये भाषा का एलीट क्लास से जोड़ा था। एक ऐसा वीडियो हम अपना खातिर लेके आए हैं और यह वीडियो कोनो साधारण वीडियो ना है, कहे से कि यह वीडियो एक न्यायालय की वीडियो है। दरअसल बिहार से एक अदालत की जुड़ा यह वीडियो वायरल हो रहा है, जहां एक वकील और जज के बीच अंग्रेजी और हिंदी भाषा का लेके तनातनी हो गए। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचीय सवैजनिन का प्रणाम कही थे, शुरू कही थे बड़ी खबर से। बता दें कि यह वायरल वीडियो में अपना खातिर लेके आए हैं, जहां यह बिहार के एक अदालत के वीडियो बतावा जाते हैं, जहां जज और वकील के बीच भाषा को लेके बहस हो नजर आ वाला है। वकील हिंदी में कुछ बोल रहा, तब जज अंग्रेजी में कहा था कि आपको क्या लगता है कि मैं ये समझ पा रहा हूँ। ए पर वकील के द्वारा कहा जाता है कि हुजूर यह तो रोब है कि हम हूँ अंग्रेजी समझ नहीं पा रहे हैं। ए पर जज के द्वारा कहा जाता है कि याचिका रिजेक्ट कर दे ही। अधिवक्ता के द्वारा कहा जाता है कि सर रिजेक्ट तो फुल बेंच है, काहे से कि पूरी बेंच हिंदी के पक्ष में है। आगे वकील कहा था कि आज से हिंदी और अभी यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोगन के द्वारा इस वीडियो पर तरह तरह के प्रतिक्रिया दीन जाला है। जोने मेर से वकील साहब के द्वारा हिंदी भाषा की वकालत की गए, लोगन के दिल जीत लीन। कुछ लोगन के द्वारा जहां एक शानदार और जबरदस्त बतावा जाला है, तो कुछ लोगन के द्वारा यह लिखा जाला है कि वकील माँ बहुत दम है। हालांकि एक ठीक गंभीर विषय आए, कई बार कई अहम स्थानन में भाषा एक रोड़ा के तौर पर सामने आ जाती। ऐसे में वकील के द्वारा या अनुवादक रखे के सलाह सबसे बेहतर विकल्प नजर आवला ही, ताकि कोनो जरूरी भाषा के कारण कोनो काम स्थगित या फिर लंबित ना हो। तो भाषा के विषय में अपना के कारा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताई। दे इजाजत रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल। प्रणाम। Do you think that I will understand? खा जाएगा उसमें इसी का अंग्रेजी। Sir, again you are submitting in Hindi. I am not able to understand. हुजूर यही तो रोना है, हम भी अंग्रेजी नहीं समझ रहे थे। I have rejected your petition. नहीं नहीं rejected तो फुल बेंच के लाइट में हुजूर रिजेक्ट कर रहे हैं। फुल बेंच हिंदी के पक्ष में है। Your case is already over. I have called the next case. नहीं तो बिना सुने हुए हुजूर आगे बढ़ने का नियम नहीं है। पहले सुन करके हुजूर को आगे बढ़ना है। इस तरह से मतलब आज से हिंदी में नहीं हो रहा, आज भी पटना हाई कोर्ट में सब न्यायमूर्ति सुन रहे हैं। अब हुजूर कह रहे हैं कि अंग्रेजी अनुवाद आप ही दीजिए। सर हम तो कह रहे हैं कि अनुवादक विभाग से मांग लिया जाए। अनुवादक विभाग यहाँ है, आजादी के पहले से है। उनको जो तनख्वाह मिलता है उसमें हमारा हिस्सा है, हमारे वकील का हिस्सा है, तो उससे मांगने में हुजूर को क्या जाता है? ये तो न्याय संगत बात हम बोल रहे हैं। हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं, हमसे अंग्रेजी अनुवाद हुजूर मांग रहे हैं। तो वो एक डिवीजन बेंच का हम ऑर्डर दिखा रहे हैं, उसको विचार में लेकर के हुजूर आदेश पारित कर दिया जाए। वो हम लगाए हुए हैं एनेक्सर में, बस इतना ही तो हमारा प्रेयर है। सीरियल नंबर 1 रूबी कुमारी। एनिमेशन विजुअल इफेक्ट, इन सभी में रोजगार की अपार संभावना। कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग, 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार, संभावनाओं का असीमित आकाश। एरिना एनिमेशन, एरिना है तो जॉब है।